केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे पुत्र दी सोशल मीडिया ते लगातार वीडियो हो रही है वायरल। तो मोनेडो में ना कम से कम 50% रखी है अपना इक्विटी स्टेक, ठीक है ना। उस वीडियो दे वायरल होने तो बाद हुण कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई दी कीती मांग। जानो आखिरकार असल च किसती है ओ वीडियो ते आखिरकार उस वीडियो दे विच की हुई अजिही गलबात। इस वेले दी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे पुत्तर दविंदर तोमर दी एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया ते वायरल हुंदी हुई देखी जा सकती है। बीते दिनां तो जो वीडियो सामने आई सीगी उस नूं लैके कांग्रेस पार्टी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की मांग भी की जाती है ते नाल दे नाल उस वीडियो नूं सांझा भी किया जाता है। तो दरअसल की होंदा है कि उस वीडियो दे विच दविंदर तोमर जो है करोड़ां दे बिजनेस की गल करता है, तो भी गल करता है कि वह गांजे की खेती करता है, पर उस तो बाद ही जिस व्यक्ति दे नाल वो गलबात कर रहा सीगा जगमोहन दीप नाम उसका नाम दस्या जा रहा है, जगमोहन दीप उसका नाम दस्या जा रहा है। तो वह व्यक्ति की हुण वीडियो सामने आई है जिस दे विच उसने एक खुद गलबात दसी है कि दविंदर तोमर दे नाल ओही गलबात कर रहा सीगा ते ओही कह रहा सीगा कि 100 करोड़ का उसका बिजनेस है। नाल दे नाल ही वो कैनेडा का वासी दस्या जा रहा, उसका यह भी कहना है कि वह गांजे की खेती करता है, ते नाल दे नाल उसका यह भी कहना है कि भारतीय एजेंसियां जिहड़ियां ने उसके कोलों सबूत ले सकदियां ने ते वह सबूत देने दे लई सारे तैयार भी है। नाल दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि इस वीडियो के वायरल होने तो बाद कांग्रेस पार्टी जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वीडियो सांझा करती है तो उन्होंने वालों कार्रवाई की मांग भी की जाती है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के पुत्र दविंदर तोमर का करोड़ा का बिजनेस है, करोड़ा की जमीन उसने कैनेडा दे विच अपनी पत्नी के नाम के उत्ते खरीदी हुई है ते गांजे की खेती करता है, इस करके उसके उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। फिलहाल जगमोहन दीप नाम के व्यक्ति ने वीडियो हुण सांझी करके गल कही है कि दविंदर तोमर के नाल मैं ही वो गलबात कर रहा सीगा, मेरा ही करोड़ा का बिजनेस है, कैनेडा का रहने वाला दस्या जा रहा है ते गांजे की उही खेती करता है। तो फिलहाल द टीवी एनआर आई इस वीडियो की कोई पुष्टि तो नहीं करता, पर फिलहाल उस वीडियो के विच की कुछ कहा वह तुहानूं एक बार सुना दिंदे आ। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम जगमनदीप सिंह है, मैं कनाडा एबसफोर्ड में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे दविंदर तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज़ है वो मेरी है, और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं, वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूं, 35826 साउथ पैरेलल रोड वहां पे बना हुआ है। मैं उसका उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है, वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में, तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया, 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया, जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मैन मार्ग पे था, और मैं जो हूँ मैं ब्लूबेरी की और भांग की गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम ज़रूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है, 778-208-8600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया,
वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी मेरा जो पिछोकड़ है पास्ट है, मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए, अकाली पेप्सू अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं गया, तो कनाडा शिफ्ट हो गया। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी, उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था, और गुरुद्वारे के पैसे पक कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था, वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था। ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आपको आपको नज़र आ रहा हो तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको कमा के मंत्री जी के बेटे को दे दिया जाता था। ये आईसीआईसी बैंक की सारी वायर डिटेल्स है, और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी जो पत्थर की जो होती है खान उनकी होती है, ये देखिए ये मनेडो का है, जो मनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मनेडो का टेक्स्ट है, और इसमें मैं आपको अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके उनके साथ चैट है मेरी, ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू ब्रंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। दूसरा उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है, मैं वो पार्सल की भी अच्छा, वो पार्सल किस चीज़ का है, वो मेकअप के सामान और भांग का गांजा का पार्सल है, और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। और जो वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए आप, ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है, और इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई जी त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली, लेकिन वो लोग जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन लेते थे, कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी ठेका है, तो गुरुजी जो कहना वो मेरा एक तकिया कलाम है, गुरुजी कहना जी कि ये एड्रेस दिया उन्होंने कि पार्सल इस एड्रेस पे भेज दीजिए, ठीक है जी। अगर ये थोड़ा कैमरा धुंधला है तो कोई भी मीडिया हस्ती जो मुझे से कांटेक्ट करेगी, मैं ये वीडियो के जितने भी प्रूफ है उनको सौंप दूंगा। जे तुसी भी चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड दे विच ब्याह, ता इको इकरा एनआरआई मैरिज ब्यूरो। एनआरआई मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।